Hi guys, this is Shilpa Singh Rajput. Namaste guys, this is Krishnakant Singh. Welcome back to the channel Shilpa Views. So guys, कैसे हैं हम लोग? I hope हम लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे. So guys, lockdown के time पे एक song release हुआ था. Song का नाम है तुमसे है ये वतन. Feat क्या है? Sunny Feat, पाकिस्तानी actor and actresses. और क्या? इस video में सारे पाकिस्तान के पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेसेस होने वाले हैं और ये सॉन्ग प्रोड्यूस किया गया है सिंगर नहीं होंगे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और सिंगर्स भी होंगे प्रोबेबली और ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो भेजी थी तो जिसने भी भेजी थी थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग तो हम सुनते हैं पहले लॉकडाउन में बनाया तो मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग सब अपने अपने घर पर वीडियो बनी होगी तो देखते हैं गाइस ओरिजिनल वीडियो के लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो 1 2 3 एंड स्टार्ट ये वतन ओरिजिनल सॉन्ग बाय मेहदी हसन ये शनि वतन रीअरेंज बाय हम तो सिर्फ उन बातें
ठहरे फिर ये अहद करते हैं तेरे मान की खातिर तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे अपनी जान लुटा देंगे हम जो बासबा ठहरे। बहुत ही अच्छा मुझे लगा और मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में सब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड और ऐसा फील कर रहे होंगे और बहुत कुछ हो रहा था सबके साथ हो रहा होगा तो उस टाइम के लिए ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था बहुत पीसफुल और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स थे इसमें। मार्च के स्टार्टिंग में बहुत सब कुछ सही चल रहा था सुनने में आ गया था बस कि चाइना में ये है और अभी तक इतना नहीं सोचा था कि अपनी कंट्री में इस तरीके से आ जाएगा। नॉर्मली ऑफिस अभी तक चल रहा था और मार्च के एंड लास्ट वीक में हम लोगों को फिर ऐसा हुआ था कि संडे को लॉकडाउन है खाली ऑनली संडे को फिर हम ऑफिस में थे तो फिर पुलिस वालों ने मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ दुकानें सब बंद करवा दी थी कुछ केसेस आ गए थे आसपास में और फिर उसके बाद से फिर एक दिन हुआ फिर उसके बाद से तो लॉकडाउन फिर 15 दिन का लॉकडाउन लग गया डायरेक्ट फिर बढ़ता गया लॉकडाउन ऐसे इस तरीके से होता गया। तो उस टाइम पे जो स्टार्टिंग का जो था लोग बहुत ज़्यादा कोरोना से डर भी गए थे और फिर मोटिवेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही थी लाइक इंडिया की मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे लाइक सबसे पहला ये हुआ था कि एक डेट डिसाइड किया गया था जिस दिन सबको बाहर निकलना है और बालकनी से बाहर आकर क्लैपिंग करनी है उनके लिए जो अपने वॉरियर्स हैं जो कोरोना से फाइट कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स के लिए नहीं पुलिस वालों के लिए सोल्जर्स तो ऑल टाइम हीरोज है ही वो तो लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी इसके वजह से पुलिस डॉक्टर नर्स है ना ये सारे और जो मेडिकल स्टाफ जितने भी हैं उन सबके लिए फिर वो भी हुआ था कि उनको लाइक हेलीकॉप्टर से फ्लावर उनके ऊपर गिराए गए थे हॉस्पिटल के ऊपर तो उस तरीके से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था ये कि इस तरीके से क्योंकि जब ऐसा चीज़ हो ना कि लाइक जान के ऊपर बात बन जाती है और ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हम जैसे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हो तो सेफ्टी अपनी पहले ढूंढते हैं लेकिन ये टाइम ऐसा था कि डॉक्टर को पता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए एक दिन बहुत खतरा बन सकता है हमें भी हो सकता है और बहुत डेंजरस है ये चीज़ें तो फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे दिन रात तो उनको अगर हौसला देना है तो हम तो इतना ही कर सकते हैं कि हम हौसला दे सकते हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इतने सारे जो टीवी एक्टर्स हैं बड़े बड़े लोग हैं मिल के आए उन्होंने इतना अच्छा एक वीडियो बनाया जिसके अंदर इतना प्यारा बनाया कि इतना मतलब लव वाला पूरा लव मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भरा सॉन्ग है सब इतने प्यार से अपने अपने घरों से ही वीडियो बनाई गई है और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है और मुझे लगता है सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के मुझे जब मैंने इसको देख मतलब मैंने जब इसको देखा तब इससे इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं किया मुझे लगा इतना अच्छा करने में इतना व्यूज़ कर रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत बड़े किसी चैनल या फिर बड़े पेज से रिलीज नहीं हुआ है नॉर्मली कोई छोटे से पेज से रिलीज हुआ होगा छोटा पेज कोई नहीं था बट वही है कि इसके वजह से रीच नहीं मिले होंगे पॉपुलर नहीं हो पाया रीच नहीं मिले ठीक है लेकिन फिर भी लोगों ने हमें सजेस्ट किया था और तो हमने सोच लिया था कि इस पर रिएक्शन करना है लेट हो चुके हैं हम लोग लेकिन फिर भी स्टिल हम लोग करेंगे क्योंकि मुझे ना इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो सारी गलती इसकी है मुझे कुछ मत बोला आप लोग जो कमेंट करते रहते हैं ना हर बार कि कृष्णा कहाँ है कृष्णा कहाँ है कृष्णा कहाँ मैं क्या करूँ नहीं आता ये तो नहीं आता जानवी से थोड़ी आता हूँ काम में तो नहीं आता ना तो जब भी फ्री होता तब भी मैं आ ही जाता हूँ और मैं जब आता हूँ तो इसको बोलता हूँ कि चलो करते हैं शूट करते हैं नहीं आज मूड नहीं आज नहीं करना है ऐसे करने नहीं जाते मतलब करना है तो करो
तो फिर जब थोड़ा बोलता हूँ तो फिर बैठती है मजबूरन। ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस चलते हैं, फिर मिलेंगे इस तरह के नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस। बाय।